सिंगरौली एनटीपीसी बलियरी स्थित राखर बांध नियमों को ताक पर रखकर राख का परिवहन कर रहा है। इससे जनता परेशान हो रही है। अगर अब भी प्रशासन नींद से नहीं जागा तो जनता को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राख का परिवहन शहर के मुख्य मार्ग से भले ही प्रतिबंधित है, लेकिन एनटीपीसी नियमों को न मानते हुए राख का पूरी रात भर परिवहन कर रहा है, जिसमें खुले वाहनों में हो रहे राख परिवहन के कारण सड़कों पर राख बिखर जाती है और सारा शहर राखमयी हो जाता है। नगर निगम का अमला घंटों तक साफ सफाई कर राख को हटाता है। इस संबंध में कई बार शिकायतें भी हुई, आश्वासन भी मिला, परंतु कोई कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली, जिस कारण राख परिवहनकर्ताओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राख परिवहन से परिवहनकर्ताओं की मोटी कमाई हो रही है और उससे कहीं ना कहीं एनटीपीसी के अधिकारी व अन्य लोग भी अपनी बख्शिश ले रहे हैं। बैढ़न बीजपुर मुख्य मार्ग पर गनियारी में पूरी रात किए गए राख के परिवहन से कई ट्रॉली राख सड़क पर बिखर गई। इसकी सूचना पार्षद गौरी गुप्ता को दी। पार्षद गौरी गुप्ता व उनके पति अर्जुन दास गुप्ता ने सड़क का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब राखड़ के लिए मार्ग निर्धारित है तो मेन रोड से भारी वाहनों को क्यों निकाला जा रहा है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने बात के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? माननीय कलेक्टर महोदय, मैंने उनसे शिकायत दर्ज करा दिया। माननीय एसपी साहब से भी शिकायत पत्र के माध्यम से करा दिया। माननीय टीआई साहब को भी दर्ज करा दिया। माननीय कमिश्नर साहब को भी करा दिया। आज एक 15-20 दिन पहले भी यही राखड़ का हाल था। पूरे वार्ड में हमारे घूम गुब्बारा बन के उड़ रहे हैं, लोग जहर पी रहे हैं। आज फिर वह हाल हो गया। अभी इसके पहले कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नौबत ना आता। प्रशासन अगर जा ले एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, ये पुनः इन पर सबसे पहले कार्रवाई करें। जो राजभवन ट्रैक्टर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। पूरे गलियारी में बिल्कुल ये प्रहस कर दिए हैं। पूरा राखड़ एकदम गुब्बारा बन गया। इनका रूट कहीं और है। मेन तेल बचाने के चक्कर में मेन रोड से आते हैं। पूरे दुकान खुले हैं, रहवासी परेशान हैं, पूरे लोग आज 100 लोग हमारे घर पहुँच गए कि आप पार्षद जी क्या कर रहे हैं, राखड़ चलवा रहे हैं रात भर। हमने कहा मैंने पत्र लिख के कलेक्टर महोदय से निवेदन कर चुका हूँ, पुलिस साहब से कर चुका हूँ, इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। हम पूरे वार्ड के लोगों को लेकर खुद गाड़ी को रोकने का काम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा ये तो बहुत गंभीर विषय है। वार्ड के पार्षद बहुत जागरूक हैं और जनता के हित को देखते हुए इस परेशानी को उठाया है इन्होंने, और बीमारी से जूझ रहे हैं लोग। तो बहुत गंभीर विषय है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ये रोड जो है सिंगल रोड है, इसका जो है प्रस्ताव भी डबल रोड का बनाना चाहिए ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा हो। क्योंकि ये रोड काफ़ी चलती है, रात में ट्रैक्टर वाले बालू लेकर चलते हैं, किसको चला देंगे इसका कोई अंदाजा नहीं मिलता है। और शासन प्रशासन को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी भी समय किसी भी घटना का बहुत बड़ा रूप दे सकता है। मार्ग शासन प्रशासन की बहुत लापरवाही है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कभी गंभीर घटना भी घट सकती है, कभी दुर्घटना भी हो सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है। बहुत जरूरी है शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए। राखड़ नहीं, ये मौत हम लोग का आ रही है। देख रहे हैं क्या हाल की, ये मरने का ही काम है। बार बार हम लोग पार्षद से शिकायत करते हैं, बार बार बोलते हैं, हमने पत्र लिख दिया है, जो कि पत्र उनके लिखने के बाद भी कुछ भी ये चीज़ नहीं हो, बंद हो रहा है। ये हम बच्चों लोग को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लगता है कि ये पूरा जगह पे कोहरा छा गया, कोहरा जैसे लगता है, और भिड़ने के पूरा बंद कर रहती है कि दिखता ही नहीं। ये आप भी जाना, ये आपको दुकान में जाना, अरे जाना है ये कलेक्टर को देखें, एसपी देखें, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इतना राखड़ हो गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।